मैंगो केक का स्पॉन्ज बनाने के लिए आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, तो आप प्लीज़ सेव कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और डेकोरेशन के लिए आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, प्लस जो आपने फ्लेवर ऐड करना है, सो काइंडली सेव करें। सो सबसे पहले हम स्पॉन्ज बनाते हैं गाइस, और ये हम माइक्रोवेव में बनाएंगे। सो इसके लिए आप एक बोल लेंगे, और उसमें हमने सबसे पहले ऑयल डालना है, साथ ही में हम डालेंगे पाउडर्ड शुगर। सो इनको अच्छे से करना है मिक्स, थोड़ा फ्लफ़ी जब तक हो जाए तब तक आप इसको बीट करें। और आप देख सकते हैं हल्का सा फ्लफ़ी हो गया है, तो इसमें अब हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। आप रेडीमेड भी ले सकते हैं या घर पे भी बना सकते हैं सिर्फ सिंपल दूध और चीनी के साथ। और उसकी रेसिपी मेरी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है, और लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो आपने उसको बीट करना है जब तक ये फ्लफ़ी हो जाए। तो एज़ यू कैन सी इट्स डन। तो आप छन्नी लेंगे और उसमें आपने मैदा डालना है जो मेंशन क्वांटिटी है उतना, साथ ही में बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। सो इसको अच्छे से छान लीजिए ताकि कोई लम्स अगर हैं तो वो ना आए मिक्सचर में। सो अब इसको हल्का सा रफली मिक्स करना है, बहुत ओवर मिक्स नहीं करना, बस कंबाइन कर दो इंग्रेडिएंट्स, और साथ साथ जो दूध की क्वांटिटी दी है वो थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते जाएं। ओवर मिक्स मत करिए, बस इतना करिए ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंबाइन हो जाएं। जो दूध की क्वांटिटी है वो मैंने स्लोली स्लोली डाल के सारा एक स्मूथ और यू नो दिस कंसिस्टेंसी जो है आप देख सकते हैं वैसा मैंने बैटर रेडी कर लिया है। सो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है, और एंड में हम डालेंगे वनीला एसेंस। कट एंड फोल्ड मेथड करें एक दो बार ताकि थोड़ा सा फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बने। सो मैंने सिलिकॉन मोल्ड लिया है माइक्रोवेव में बनाने के लिए, आप कांच का भी ले सकते हैं या प्लास्टिक का अगर है तो यू कैन टेक, बट आई यूजली अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक। तो गाइस सिलिकॉन मोल्ड में आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है। सो सारा बैटर ट्रांसफ़र करिए और थोड़ा सा टैप करिए ताकि कोई एयर बबल ना हो, और इसको हम माइक्रोवेव करेंगे मैक्सिमम टाइम। गाइस मैक्सिमम टाइम जो है बेक करने का वो 10 मिनट है, बट हर एक माइक्रोवेव के अलग टाइमिंग्स और टेम्परेचर्स होते हैं, तो आप 7-8 मिनट के बाद चेक करते जाएं। अगर स्पॉन्ज आपका 8 मिनट में भी रेडी हो सकता है, 7 मिनट में भी, जैसे मेरा 1.5 मिनट पहले ही रेडी हो गया था, मैंने 10 मिनट का टाइमर लगाया था, तो मतलब 8-8.5 मिनट तक आपका रेडी हो जाएगा। सो 6 मिनट भी लग सकते हैं, 7 मिनट भी, तो बीच में आप ज़रूर 5 मिनट के बाद चेक करते जाएं। फोक मेरा क्लीन आया है गाइस, तो मेरा स्पॉन्ज रेडी है। सी बहुत अच्छा कुक होता है स्टीम के साथ, बहुत स्पंजी बनता है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट स्पॉन्ज बनता है माइक्रोवेव में। इसको ढक के रखिए जब तक पूरा ठंडा हो जाए, तो ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि बस आपने इसको डीमोल्ड कर देना है। तो प्लेट में आप इसको स्पॉन्ज को निकाल लीजिए। और गाइज अभी जैसे मैंने बाकी काम करना था, तो स्पॉन्ज को मैं ऐसे ओपन नहीं रखती, मैं हमेशा क्लिंग फिल्म में रैप करके रखती हूँ। आप भी ऐसे रखिए ताकि ड्राई ना हो स्पॉन्ज आपका, और हल्की सी अगर हीट है स्पॉन्ज में तो उससे वो सॉफ्ट रहता है। सो अब गाइज उसकी डेकोरेशन और बाकी प्यूरी बनाने के लिए मैंने 2 मैंगोज़ लिए थे। तो इट डिपेंड्स गाइज, आप छोटे अगर साइज़ के मैंगोज़ हैं तो 3-4 लग जाएंगे मेरे, प्रॉपर हाफ के जी यू नो कह लो कि टोटल क्वांटिटी थी दोनों मैंगोज़ की, वेट था सॉरी मैंगोज़ का। तो अब इसका छिलका उतार के बहुत पतले पतले ऐसे आपने स्लाइसेस इसके काटने हैं। सी हाउ थिन इट इज़, इतने पतले हों कि वो फोल्ड हो जाए इजिली। सो ऐसे आपने दोनों साइड की स्लाइसेस मैंगोज़ के कट करके और ऐसे पतले पतले सारे काट लीजिए। और जो सीड्स के साथ जो पल्प है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको एज अ फ्लेवर मैं यूज़ करूँगी। अगर खा सकते हैं, खाना चाहते हैं तो खा लीजिए डेफिनेटली। तो मैंने इसका सारा पल्प निकाल लिया था और बोल में ट्रांसफ़र कर दिया था, लगभग गया था लगभग 1/4 कप होगा। और मिक्सर ग्राइंडर में मैंने इसको डाला, और साथ ही में थोड़ी सी मैं डालूँगी पाउडर्ड शुगर, 2-3 टीस्पून मैंने डाली थी, और साथ ही में हाफ लेमन। तो बहुत टेस्टी गाइस फ्लेवर आया था केक में इसके साथ, और इसको एज अ फ्लेवर मैंने यूज़ किया था। मैंगो जैम नहीं थी मेरे पास घर पे अवेलेबल, ना मैंगो क्रश था, वो भी यूज़ कर सकते हैं रेडीमेड, तो मैंने खुद से बनाकर वो चीज़ ऐड करी। गाइस ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी बनी थी। सो ये प्योरी मेरी रेडी है, इसको एज अ फ्लेवर मैं यूज़ करूँगी। तो गाइस अब व्हिपिंग क्रीम, चिल्ड व्हिपिंग क्रीम को मैं निकालूँगी लगभग 1/4 कप। तो मैं फ्रीज़ करती हूँ नॉर्मली, तो इसको बस थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके और इसको बीट करना, आपने स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रिक बीटर या विस्क की मदद से भी आप कर सकते हैं, उससे थोड़ा टाइम लगता है, बट मेरे पास है इलेक्ट्रिक बीटर तो मैं वही डेफिनेटली यूज़ करती हूँ। तब तक करें जब तक जो यू नो पीक्स जो है वो हार्ड पीक्स आ जाएं। सो अब ये फॉल डाउन नहीं कर रही थी तो मेरी विप्ड हो गई थी, तो अब मैंने इसको पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र किया।
और यू नो, अब इसके साथ गाइज मैं आइसिंग करूँगी, तो मैं ऑलमोस्ट सारी विपिंग क्रीम जो है मैंने इसमें डाल दी थी। तो अब इसको हम निकालेंगे स्पॉन्ज को क्लिंग फिल्म में से। सो गाइज, डेकोरेशन पार्ट मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है केक का, आई जस्ट लव इट। और इसको मैंने तीन टोटल लेयर्स में इसको काट देना है, मतलब टू इसके कट्स करेंगे, टू राउंड स्लाइसेस दूंगी मैं इसके। सो थोड़े से इवन हो, मेरे ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, कभी आज तक परफेक्ट तीन इक्वली स्लाइसेस नहीं कटते, बट आप ट्राई करें अगर होता है तो। तो मेरे तीन स्लाइसेस मैंने कर दिए, थ्री लेयर्स हो गई हैं केक की, और हर एक में शुगर सिरप मैं डालूंगी। तो ये डालना बहुत ज़रूरी है, स्पॉन्ज बहुत सॉफ्ट रहता है, पूरा मैंने स्पॉन्ज में शुगर सिरप ऐड करती हूँ। बहुत गाइस, बाजार जैसा स्पॉन्ज आपका रेडी हो जाएगा, जितना मर्जी हार्ड हो, जितना मर्जी वो मतलब प्रॉब्लम हो स्पॉन्ज में, सारी ख़त्म हो जाती है जब आप शुगर सिरप ऐड करते हैं। तो बटर पेपर लगाना मैं भूल जाती हूँ, तो ऑब्वियसली कट करके साइड्स पे ऐसे आप ज़रूर लगाएं, कोई भी किचन पेपर या कुछ। तो गाइज, अब आपने पाइपिंग बैग में जो क्रीम डाली थी वो ऐसे थोड़ी सी स्प्रेड करें, और स्पैचुला के साथ आप इसको लेवल कर दीजिए। इससे मिनिमम लगती है गाइज, यू नो, व्हिपिंग क्रीम ओवर नहीं लगती। और साथ ही में गाइज, इसमें आपने अब फ्लेवर डालना है, जो मैंने मैंगो वो क्रश रेडी किया था। सो ट्रस्ट मी गाइज, दिस केक वॉज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट केक आई एम एवर मेड। सो गाइज, ये जो स्पॉन्ज में आप कट देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने खाया बीच में, कहते मुझे टेस्ट करना था स्पॉन्ज का। तो कोई इशू नहीं, आप बीच में ऐसे अगर टूटा है या कुछ भी, आप बीच में ऐसे लेयर ऐसे लगा सकते हैं। और शुगर सिरप इसमें आप डालिए, शुगर सिरप मैंने हाफ कप में चार चम्मच बूरा चीनी डाल के इसमें बनाया था, तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी होता है जैसे मैंने बताया। और अब आप फिर अगेन पाइपिंग बैग में जो व्हिपिंग क्रीम थी उससे आप ऐसे लगाइए और स्प्रेड करें स्पैचुला के साथ। और डेकोरेशन करना बहुत इजी हो जाता है जब आप पाइपिंग बैग में क्रीम को ट्रांसफ़र करके उसको आइसिंग करते हैं। तो अगेन आप सेकेंड लेयर जो है उसमें भी आपने ऐसे ही फ्लेवर डालना है, जेनरस अमाउंट डालें, कंजूसी मत करें, प्रॉपर डालिए, और प्रॉपर आप ही ने खाना है तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो थर्ड भी मैंने जो एंड वाली टॉप मोस्ट लेयर थी वो मैंने डाली, और इसमें भी मैं शुगर सिरप ज़रूर ऐड करूँगी पहले। तो कम से कम 8-10 चम्मच मेरे हर लेयर में इससे ज़्यादा ही इस बार लगे थे, मुझे हल्का सा ड्राई लग रहा था। तो गाइज, अब पाइपिंग बैग से आपने साइड्स पे ऐसे वन वन बनाने हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद, इससे साइड्स की भी डेकोरेशन करनी बहुत इजी हो जाती है। और टॉप पे भी मैंने सारी ऑलमोस्ट स्प्रेड कर दी, तो बस अब स्पैचुला के साथ लेवल करेंगे। हम इसकी सिंगल कोटिंग ही करेंगे क्योंकि मैंने मैंगोज़ के साथ डेकोरेशन करनी है, तो मैं प्रॉपर इसकी पीक्स और वो यू नो शार्प एजेस की तरफ नहीं जाऊँगी। तो साइड्स पे भी ऐसे स्पैचुला के साथ आपने कवर कर देना है सारा आइसिंग को। और बट बहुत अच्छी हुई थी इसमें, तो अगर आप ऐसे भी कर देते और जस्ट डेकोरेशन ऊपर करते तो बहुत अच्छा लगना था, लाइक यू कैन प्रेजेंट लाइक दिस आल्सो। सो बस इसके बाद अब मैंगोज़ की बारी आती है जो स्लाइसेस किए हैं। पहला जो राउंड है आपने ऐसे ही प्रॉपर लिटाकर हर मैंगो स्लाइस को ऐसे रखना है। सो सेकेंड टर्न में आपने जो ये मैंगो के पेटल्स हैं या स्लाइसिस कह सकते हो, इसको हल्का सा आगे की तरफ बेंड करके आपने इसको, गाइज ये चीज़ का ध्यान रखें कि ओवरलैप होने चाहिए जो पेटल्स हैं आपके, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के ऊपर हो, गैप्स ना हो बिल्कुल भी। तो ऐसे पेटल्स को एक दूसरे के ऊपर करते आगे की तरफ बेंड करें। तो पहली हमने ऐसे ही फ्लैट रखे थे और बाकी मैंने बेंड करने स्टार्ट किए, फ्लावर की शेप देनी थी। तो ऐसे ही गाइज अब इसको एक एक करके लगाते जाए, ओवरलैप करें एक दूसरे पे हल्के से, और ऐसे पेटल्स अंदर की तरफ आप आते जाएंगे। सो जो थोड़ी थोड़ी बीच में आपको गैप्स दिख रहे हैं वो हम एंड में फिल करेंगे। सो एक दूसरे पे ओवरलैप करके आप देख सकते हैं एंड तक मैं काफ़ी आ चुकी हूँ, और छोटे छोटे जो स्लाइसेस हैं वो एंड में काम आएंगे। और ये जो है गाइज, इसको हल्का सा फोल्ड करके जब छोटा सा सर्कल रह जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं, और इसके अंदर हम एक छोटी सी बड बनाएंगे अब, जो आप देखेंगे। हाँ, ये मैंने लगा दी है छोटी सी बड ऐसे ही फोल्ड करके पेटल को। अब जो गैप्स हैं मैं वो फिल कर रही हूँ, सारे पेटल्स जो रह गए हैं वो बीच बीच में फिट कर रही हूँ। कहीं पे आपको लग रहा है कहीं पे क्रीम दिख रही है या कवर्ड नहीं है तो आप कर सकते हैं। और जो शुगर सिरप, ये सॉरी मैंगो क्रश जो मेरा बना हुआ था, इसको मैं साइड्स पे भी लगा रही हूँ जस्ट फॉर द फ्लेवर ब्रश के साथ। तो दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऐड, अदरवाइज यू कैन स्किप। सो ये पूरी मैंगो केक की लुक दे रहा था। सो दिस सुपर डिलीशियस केक इज़ रेडी गाइज। अब इसको गाइज फ्रेश रखने के लिए मैंने न्यूट्रल ग्लेज़ आती है बेकरी की शॉप से आपको मिल जाएगी, जो जहाँ से केक्स का सामान मिलता है, तो ये ग्लेज़ को मैंने फ्रूट्स के ऊपर लगाया ताकि फ्रूट्स ऑक्सीडाइज ना हो, ख़राब ना हो ये जो मैंगो है। अदरवाइज़ आप शुगर सिरप बनाकर और उसको भी ऐसे ब्रश के साथ लगा सकते हैं फ्रूट्स के ऊपर।
सो बट इससे क्या था, फ्रेश रहा था मेरा मैंगो का जो केक था। अगर इंस्टेंट खाना है तो आप खा सकते हैं डेफिनेटली, बट सेट होने के लिए टाइम लगता है। अदरवाइज आप क्या करो, बड़ा सा पतीला लेकर उससे ऐसे कवर कर दीजिए तो थोड़ा बचा रहेगा। मैंगो स्पॉन्ज के लिए आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, तो सेव करें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड रस मलाई सिरप बनाने के लिए आपको ये सिर्फ बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले आप एक बोल लेंगे, हम मैंगो स्पॉन्ज रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने सूजी ऐड करी है, बहुत हेल्दी स्पॉन्ज है गाइस ये, और मैंगो पल्प डाला है साथ ही में मिक्सर में ग्राइंड करके। इसको अच्छे से करें मिक्स, जैसे कि इसमें मैदा नहीं यूज़ हुआ, इट्स क्वाइट हेल्दी एंड टेस्टी टू। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसमें मलाई डालनी है। मलाई की जगह आप अनसॉल्टेड बटर भी डाल सकते हैं, इट्स योर विश। सो अच्छे से एक मिक्स दें, और साथ ही मैंने पाउडर्ड शुगर ऐड करी है, तो अगेन गिव अ क्विक मिक्स। गाइज ये बहुत अमेजिंग केक बना था, लिटरली एक मिनट में ख़त्म हुआ है मेरे घर में। सो ये काफ़ी थिक भी होगा, और इसको आपने ढक के रख देना है 10 मिनट के लिए, रेस्ट करें, जैसे कि सूजी अच्छे से एब्जॉर्ब करने दीजिए सारा मिक्सचर। सो उसके बाद आपने 10 मिनट के बाद थोड़ा सा नमक डालिए, और इलायची मैंने पीस के ऐसे उसके जो है दाने और छिलके साइड पे करके इसको मिक्स करा, 3 इलायची ली थी। अच्छे से मिक्स करें 1-2 मिनट के लिए, ताकि स्मूथ टेक्स्चर बन जाए। सी हाउ स्मूथ इट इज़। सो बिल्कुल भी आपको दूध वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 1 टीस्पून अब आपने बेकिंग पाउडर डालना है, उस टाइम डालें जब आपने बेक करने के लिए रखने लगे हो, पहले मत डालिए। तो मिक्स देने के बाद आपने जो टिन है, आप केक का कोई भी टिन ले सकते हैं, मैंने बोरोसिल का लिया है, तो आप इसको ग्रीस करेंगे अच्छे से और डस्ट करें फ्लावर के साथ। सो बहुत अमेजिंग गाइज, ये एक्चुअली फ्लेवर लाता है जब आप ऊपर इसमें सिरप ऐड करते हैं। सो बड़ा यू नो इट वॉज क्वाइट जूसी एंड यू कैन से वेरी क्रीमी, वेरी रिच। सो गाइज इसमें अब ट्रांसफ़र करें बैटर और अच्छे से करें टैप। अब इसमें क्रैक्स ना आए इसके लिए मैंने स्पैचुला से ऐसे लेवल कर दिया है, और सेंटर से ज़्यादा फूले ना, तो ये आप कर सकते हैं। सो अब इसको अपने गाइज बेक करने के लिए रखना है कढ़ाई में, तो इसमें 1 कप पानी डाल दीजिए। सो मैंने ऑलरेडी प्री हीट कर ली थी कढ़ाई 20 मिनट के लिए। अब और गाइज आपने इसमें टिन रख देना है जिसमें केक का बैटर डाला है, 30 से 40 मिनट कढ़ाई में कुक करिए, या OTG में भी कर सकते हैं। सो 35 मिनट्स के बाद मैंने जब चेक किया तो मेरा स्पॉन्ज बिल्कुल रेडी था। लो फ्लेम पे बिल्कुल कुक करें, और अगर आपको लगे पानी बीच में ख़त्म हो गया है थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। सो गाइज अब आपको इसको आपने स्पॉन्ज को ढक के रख देना है जब तक ये प्रॉपर ठंडा हो जाए। उतनी देर हम रसमलाई का सिरप रेडी करेंगे, उसके लिए मैंने कढ़ाई ली है और साथ ही मैं इसमें दूध डालूंगी। सो उसके बाद मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाला है, अगर घर पे बनाना चाहते हैं 20 मिनट में बनता है, बहुत इजी है, तो रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छे से करें मिक्स इसको, और साथ ही मैं मिल्क पाउडर डालूंगी, ये टेक्सचर बहुत अच्छा लाता है। अगर आप स्किप करना चाहें कर सकते हैं, अगर नहीं है घर पे तो वेरी लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, और लगातार करछी मारते रहें बीच बीच में। सो मैंने इसमें डाले सैफ्रन स्ट्रैंड्स, केसर, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा फ्लेवर लाती है। और इलायची पाउडर, ये मैंने उसी टाइम पीसी थी इलायची 2। तो तब तक कुक करें जब तक 2 कप दूध रह जाए, तो मतलब तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो गाइज अब आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटीज़ की 2 कप रह गई है 2.5 कप से, तो मेरा रस मलाई का सिरप जो है वो रेडी है। सो इसको अब अपने अच्छे से ठंडे होने देना है, ऐसे ही नहीं पोर करेंगे, सो नहीं तो स्पॉन्ज आपका टूट सकता है। तो प्रॉपर ठंडा होने दीजिए इसको, पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। सो देखिए कितना थिक एंड क्रीमी हो गया है ये रसमलाई का सिरप, इट वॉज सो डिलीशियस गाइज, मैं तो ऐसे ही खाती गई। अब स्पॉन्ज को आपने प्रिक करना है टूथपिक या फोक के साथ, किसी चीज़ के साथ, ताकि स्पॉन्ज के अंदर तक वो सिरप यू नो एब्जॉर्ब हो। सो मैंने वो सिरप ऊपर डाल दिया है, इट्स योर विश जितना आप डालना चाहते हैं, कम डालना चाहते हैं, मैंने काफ़ी सारा डाला था बिकॉज आई यू नो लिटरली लव इट, और स्पॉन्ज इतना जूसी आता है, फिर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो गार्निश करिए एलमंड्स के साथ इसको अच्छे से, पिस्ताज हैं वो भी डाल सकते हैं।
इसको रेफ्रिजरेट कर लिए अगर ऐसे सर्व करना चाहते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सो या योर सुपर डिलीशियस रसमलाई मैंगो केक इज़ रेडी गाइज। आई होप यू इन्जॉय दिस वीडियो। टू गिव अ वीडियो बिग लाइक, कॉमेंट करके बताएं कैसी लगी है, और अगर कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क मी। एंड अगर ट्राई करते हैं तो मेरे साथ पिक्चर ज़रूर शेयर करना मेरे इंस्टाग्राम में गिगल्स बाय मीनाक्षी। कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।